Since its inception in 2009, Kanchal Group has demonstrated an upward growth curve. It is currently selling around 200 properties in a month. Indian cricketer RP Singh is the brand ambassador of this real estate company that has been awarded the Best Real Estate Consultant by Builder Council of India. Our Cobra Post reporter meets Prashant Gupta, the GM channel of the group, and pops the question straight. How much cash can be adjusted? The answer he gets is equally straight. Prashant Gupta says 50-50 kar denge. Dusri cheez, kisme matlab cash black mein kitna adjust hoga? 50% ho jayega. Registration mein koi dikkat? Koi dikkat. 50% circulate ka koi problem nahi aayega? Circulate ka circulate registry circulate pe karenge. Koi problem nahi. Aap mujhe circulate se kam mein bech rahe ho. Jis rate pe aap 50% karenge, 50% pe hum registry kar denge. सर्कलेट उससे कम है, सर्कलेट क्या है वहाँ? सर्कलेट लगभग उतना ही पड़ेगा, अभी मान लीजिए जो रेट्स हैं उसका सर्कलेट पे जाएंगे तो लगभग सर्कलेट वहाँ का 60-70% होगा, तो वो उतना चलता है उसमें कोई दिक्कत। Gupta's candidness in addressing the client's black money concern is amazing. Will there be any problem with the registry of the property? Has he done this before? Pat comes the response. Sir, कोई दिक्कत नहीं है, अमूमन कर रखा है, सब ब्लैक व्हाइट आता है, सब 50-50 पे आता है हमारे यहाँ, कहीं कोई बहुत रेयर केस आता है तो 60% जाता है। There is absolutely no room for speculation. Gupta further explains how they can adjust even 80% of the sale amount in cash and how they get away with it. तो एक चीज़ और ये जानना चाह रहा था कि आप 50% कह रहे हैं तो 50% में दिक्कत नहीं होगी ना? आपने पहले पहले कर रखा है ना? सर कोई दिक्कत नहीं, पहले कर रखा है कि नहीं? अमूनन कर रखा है। हैं? अमूनन कर रखा है, मतलब ज्यादा ब्लैक व्हाइट आता है वो सब 50-50 पे आता है। आप क्या जो भी आता है इसी केस की वो 50-50 केस, कहीं कोई बहुत रेयर केस आता तो 60-40 करो हमारा नहीं, लेकिन उसमें भी दिक्कत आएगी जो आप रजिस्ट्रेशन भर जाते हैं कि वो सर्कुलेट से बहुत डाउन चला जाए तब दिक्कत आएगी। तो ये सर्कुलेट से डाउन होगा? ये डाउन नहीं हो पाएगा, मतलब नॉर्मली डाउन होगा तो थोड़ा बहुत पे ध्यान नहीं देता सर्कुलेट, सर्कुलेट पे तब ध्यान देता है जब ज्यादा डाउन होता है। तो फिर वो 60% रेयर केस में कैसे करते हैं, वहाँ डाउन नहीं होता? वहाँ पे तो यार गिफ्ट दिखा देते हैं, एक केस कोई होता है, एक क्या दो किस्सा होता है। अब ये 42 का किस्सा है ना, दिक्कत ये है ना, 42 को गिफ्ट कहाँ से दिखाओ? ऐसे में 42 पे फिर कोई भी कल को इंक्वायरी आ सकती है। एक दो तो चलो गिफ्ट में दे दिया है किसी को, ये दिखा दिया कि दैट्स एन गिफ्ट फॉर एनी रीजन, कोई रीजन जोड़ दिया। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ब्लैक एंड व्हाइट के जब तक 80 भी होता है आदमी का गिफ्ट कर दिया, 20% में हमने गिफ्ट कर दिया, रीजन कि उसके फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई ना कोई रिलेशन निकाल लिया जाता है। हाँ, फॉर वेलफेयर के लिए कर दिया है, फॉर व्हाट एवर दैट उनकी इमेज की वजह से कर दिया, बट 42 को नहीं कर सकते। 42 में तो ये कि 50-50 वो सर्कुलेट पे मतलब आसपास रहे तो चलेगा। Gupta informs his client that he has even accommodated 80% of the sale amount in cash by showing it as an expensive gift befitting the image of the recipient. In other words, he has established a relationship between the buyer and the seller. If nothing else, the reason for the gift is simply described as felicitation to a freedom fighter. In his words, वहाँ पे तो यार गिफ्ट दिखा देते हैं, एक या दो किस्सा होता है, अब ये 42 का किस्सा है ना, कोई रीजन जोड़ दिया कि उसके फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई ना कोई रिलेशन निकाल लिया जाता है, फॉर वेलफेयर के लिए कर दिया, फॉर बर्थडे पर उनकी इमेज की वजह से कर दिया, पर 42 तो नहीं कर सकते हो। वी एग्री, इट इज रादर एम्बिशियस टू शो 42 यूनिट्स एज गिफ्ट। एंड नाउ मीट गुप्ता'स बॉस। Amit Kanchal is the managing director of Kanchal Group and he will reveal how black money is integral to the business of real estate. आप ये सोचिए कि 1000-1500 रुपए स्क्वायर फीट की तो सिर्फ जमीन की कॉस्ट है, उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 1300 रुपए स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है, आप सोचिए कहाँ से निकालेंगे लागत। सर तो आप लॉस में आकर तो बेचेंगे नहीं डेफिनेटली। एफपीआर तो है, आपका वन विभाग हो गया, कई चीज हो गया, मतलब सबको कैश देना पड़ता है, सबको अलग से खिलाओ पिलाओ एनओसी के लिए। यहाँ पर वो दुबई की तरह नहीं है, वो दुबई में सब सिस्टमेटिक है, मतलब दुबई में तो कोई भी ओवरटेक खिलाते पिलाते या फिर कैश देते हैं, अरे अलग से देते हैं।
मतलब 5 लाख अलग से दिया उसको, आप एनओसी कर तो ये हाँ पास करती है एनओसी का, एक हफ्ते में पंचायत के लोग 5 लाख उनके घर पे पहुंचाती, लाओ आपको 2 लाख खिलाती है, 5 लाख सारे अधिकारी खाते हैं यहाँ, जल्दी भेजिए, ये है इंडिया में। The managing director of Kanchal Group says that every department that engages with the property dealers has to be bribed with cash. In his words, fire department ho gaya, aapka van vibhag ho gaya, pass kar diya, NOC ek hafte mein ban jayega. Lo 5 lakh tum ye ghar pahuncha ke lao. Van vibhag ko 2 lakh khila diya, 5 lakh sare adhikari khate hain yahan. Well said. And just what amount of black money is Mr. Kanchal going to adjust for his client? He says, कैश का 50-50 करना चाहो 50-50 कर देंगे, कैश का 50-50 करना चाहो 50-50, आप ज्यादा करना चाहते हैं कैश, ज्यादा करना चाहते हैं नहीं तो सर एक मिनट, 22 कुल की बात है, 2200 आ रहा है तो आप 50% हमसे कैश ले रहे हैं, बचा 1100 रुपए आप हमसे वाइट में ले रहे हैं, एक मिनट बॉस, तो इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Kanchal Group director assures the reporter that there will be absolutely no problem during registration of the property. He further tells the reporter that he will accept the cash in Dubai and have it sent to India. Sir, एक चीज़ और पूछनी थी कि जो मतलब cash का जो black का part है वो दुबई में आप ले लेंगे? दुबई में आप ले ले? Cash क्योंकि दुबई में आपका office भी है। तो ऑफिस में तो यहाँ लाने में दिक्कत है ना, नहीं तो आप मैनेज कर लेंगे ना, इतना थोड़ी आप लोग मैनेज कर लेंगे, वहाँ से लाते कैसे हैं? सर बात कर लूंगा, कैश आ जाएगा 4 करोड़, एक मोहम्मद मैं बात कर रहा हूँ अभी, मतलब आ जाएगा ना, मैं सिद्धू को कंफर्म बात करता हूँ, एग्जैक्टली मुझे वही चाहिए। हाँ रमत भैया जी कहते हैं, कहाँ है दुबई में, कहाँ है? अच्छा ये बताइए दुबई में अगर 4-5 हज़ार कैश है, अगर उसको इंडिया में लाना तो आ सकता है, आ जाएगा ना कंफर्म? अच्छा मतलब कोई बाहर की पार्टी यहाँ फ्लैट ले रहा है, आप हैंडल कर लेंगे ना? ठीक है और बताइए, ठीक है। अमित कांचल ऑर्गेनाइजेस फॉर द कैश टू बी कलेक्टेड इन दुबई। सच ट्रांजैक्शंस मे बी इलीगल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट क्लियरली नॉट फॉर कांचल ग्रुप, एंड द इलीगैलिटीज डू नॉट एंड हियर। द प्लॉट थिकेंस फर्दर एज मिस्टर कांचल रिवील्स दैट दे डू नॉट येट हैव द नेसेसरी अप्रूवल्स टू अलॉट द प्रॉपर्टी जस्ट येट। He fully understands that it is illegal to allot any property to a buyer before the blueprints of the property gets the requisite approval. वो एग्रीमेंट के लिए सोच रहे थे कि हमारा एलडीएस के अप्रूवल के लिए किया हुआ है। अच्छा ठीक है, 4 महीनों से बातचीत हो गई है, सब कुछ पेपर हम आपको देंगे, रजिस्ट्री के पेपर भी देंगे ताकि आप सर्टिफाइड हो कि आपको ये चीज ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। अभी अप्रूवल नहीं आई है, अप्रूवल अभी नहीं आई है। हाँ अप्रूवल अभी नहीं आई है, ठीक है ना, अप्रूवल आने में 6 महीने लगता है। तो एनवायरमेंट वगैरह, एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह मिल चुकी है? हाँ पूरा टाल दिया सब, जमा करके 8 करोड़ पे पूरा एलडीए को जमा कर चुके हैं। 8 करोड़ कैश में? हाँ 8 करोड़ पे पूरा फाइटिंग में जमा कर चुके हैं, पूरा जमा, मतलब बकायदा प्रूफ होगा कि हाँ एलडीए में जमा किया हुआ है, सारा प्रोसेस में चल रहा है, आ जाएगा। आपके साथ सिर्फ इतना कर सकते हैं, थाईलैंड में अलॉटमेंट के लिए कमिटमेंट भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपसे एग्रीमेंट बकायदा बन जाएगा पूरा। अलॉटमेंट लेटर तो आप इशू नहीं कर सकते फिर? हाँ अलॉटमेंट लेटर तो नहीं कर सकते ना आप, लेकिन थाईलैंड में मैंने क्या कहा, क्योंकि ओपनली अंटेल नहीं हो कर सकते क्योंकि इलीगल हो जाएगा, क्योंकि रुपए मिल जाती है तो एलटीए को पता चल जाता है कि आप कैसे भेज रहे हो अलॉटमेंट, अभी यह नक्शा पास नहीं हुआ। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये चीज़ पता है मुझे। अच्छा लैंड में होगा, मैं कोशिश करूँगा आपको अलॉटमेंट भी कर दूंगा, लेकिन चीज बाहर नहीं करनी चाहिए। The managing director will go ahead with the allotment of the property even before the mandatory approvals. He says, हाँ तो साइलेंट में होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको अलॉटमेंट भी कर दूंगा, लेकिन चीज बाहर नहीं पड़नी चाहिए।
This is the inside story of Indian real estate, replete with illegal activities, cocking a snook at the income tax department. It is precisely this audacity of these players that makes it a challenge to control the menace in the industry.